बेटे ऑब्टेनिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस मस्ट बी वेरी हार्ड बिकॉज लास्ट चैप्टर हमने किया है ना. आप देखो लास्ट चैप्टर हमने किया कि दैट न्यूक्लियस कैन नॉट बी न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है मतलब देखो अगर ये मालूम भी नहीं है कि न्यूक्लियस स्फेरिकल है या नहीं. हाउ डू वी नो न्यूक्लियस इज स्फेरिकल. वी जस्ट विजुलाइज. हम कई बार ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि भैया स्फेरिकल होगा न्यूक्लियस. तो बल्कि इस अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है बट देर इज अ लॉट ऑफ डिविएशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द स्फेरिकल शेप. इनफैक्ट एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई हुई है ये मेजर करने के लिए कि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप से कितना अलग है दूर कितना जा रहा है. न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल मूवमेंट ऐसे करके कुछ होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है. तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता. मतलब न्यूक्लियस का साइज 10^-15 अगर हम इसको फॉर द टाइमिंग ऐसे स्फेरिकल इमेजिन करें तो इसकी जो डायमेंशन है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिवील होता है जो हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. So it reveals that nucleus size cannot be more than 10^-15 meters. पहले से हमें मालूम है कि एटम का साइज roughly इतना होता है near most atoms they are around 10^-10 meters. तो न्यूक्लियस उससे 10^5 times और small है मतलब 1 lakh times small. ठीक है common language में अगर हम बोले तो 1 lakh times smaller हो गया. तो बहुत ही small volume है न्यूक्लियस की. अब now what is there inside the nucleus? So all information about the nucleus has been obtained through scattering experiments. Scattering experiments means हम ऐसे particles होते हैं जो हम nucleus की तरफ direct करते हैं and the way these particles scatter that is the only way of obtaining information about the nucleus because nucleus इतना small है और उसके अंदर हम कैसे घुसेंगे. How will we enter it? So इनको हम probes बोलते हैं particles को. ठीक है तो lot of historical information is given about the discovery of various properties of the nucleus. न्यूक्लियस की अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड आउट हुई कौन से ईयर में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है क्योंकि वो वैसे एक साइंस की हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है पर बोर्ड के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बोर्ड के सिलेबस में आपको जस्ट ये लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन कैसे एस्टैब्लिश हुई कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो भी एक काफ़ी मतलब आप ये बोल सकते हो काफ़ी एक उसमें काफ़ी सारे स्टोरी में पॉइंट्स आते हैं. देयर आर मेनी चैप्टर्स इन दैट स्टोरी. वो सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो यही मालूम है जैसे छोटी क्लास में पढ़ाते हैं 9th ऑनवर्ड्स उतना ही आपको 12th में चाहिए कि किसी भी न्यूक्लियस में दो तरीके के पार्टिकल्स हैं. एक जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं और दूसरा जिसको आप न्यूट्रॉन बोलते हो. बस दैट्स ऑल. द ओनली इन्फॉर्मेशन विच वी नीड अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस इज दिस ओनली. इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है. और कुछ एक दो चीजें उसमें मैंने आपके नोट्स में लिख दी है. ठीक है तो ओनली दैट यू नीड टू डू. बाकी हिस्टोरिकल अकाउंट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आते तो वो अच्छी बात है नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती. तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो नहीं तो फिर बाद में जब आपके बोर्ड एग्जाम हो जाए तब आप खाली होंगे तब आप पढ़ लेना उसको. ठीक है यू हैव रीड इट मैनी टाइम्स टू नो हु वर द बिग फिगर्स इन साइंस व्हाट रिसर्च दे डिड. अच्छी अच्छी बुक्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं. एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दिया हुआ है. तो हमें अभी क्या करना है देखो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको न्यूक्लियस के बारे में ही जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये तो आप स्मॉलर क्लास से जानते हो. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. शायद आपको ये भी मालूम होगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इनको कलेक्टिवली ठीक है हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. वी कलेक्टिवली कॉल देम एज न्यूक्लियॉन्स. ठीक है ये सब चीज़ें तो आपको मालूम है. थोड़ा सा जब आप 12th का सिलेबस है उसके बारे में चलेंगे तो पहला पॉइंट वन थिंग विच यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस. ठीक है थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि आपके नोट्स में वो पहले दिया हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस नहीं दिया हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. सो फर्स्ट थिंग इज देखो केमिकल रिएक्शन क्या है. आप लोगों को स्मॉलर क्लास से मालूम है केमिकल रिएक्शंस के बारे में. तो जैसे अगर मैं एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर तो हमें मालूम है कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑन बोथ साइड्स हैव टू बी सेम. इस तरफ अगर एक कार्बन का एटम है तो वहाँ भी एक कार्बन का होना चाहिए. इस तरफ एक L का एटम है तो यहाँ भी एक L का होना चाहिए. इस तरफ एक C है तो यहाँ भी एक C होना चाहिए. इस तरफ एक क्लोरीन है तो यहाँ पे भी एक Cl होना चाहिए क्लोरीन होना चाहिए राइट. और इस तरफ एक कैल्शियम है तो यहाँ भी एक कैल्शियम. इसको हम बोलते हैं ठीक है दैट एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते. केमिकल रिएक्शन में एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आप देखोगे तो उसमें इस तरफ जो नहीं है वो वहाँ पर आ जाएगा.
ठीक है, मतलब नया एटम ही नया न्यूक्लियस ही अपेयर कर जाएगा। ठीक है, तो शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। अभी मैं जैसे आप लोगों को बताते हैं कि केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट की पहचान क्या होती है, लाइक सोडियम की क्या पहचान है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ सोडियम एटम। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें सोडियम में से या उसमें एक्स्ट्रा भी घुसा दें, ऑल्दो सोडियम मेटल है तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को घुसाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डालना मुश्किल होता है मेटल के एटम में, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, दे यूजली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी नॉन मेटल के जो एटम्स हैं दे यूजली गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये सोडियम है, तो आपको बताया कि जो सोडियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो सोडियम की पहचान होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो कोई भी एटम कार्बन का है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बात करते, 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब जैसे सोडियम भी, सोडियम के न्यूक्लियस भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, चलो अभी देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर नए टाइप के एटम्स नहीं क्रिएट होंगे, सेम एटम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा लास्ट में, वो रेज हो गया। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस में ऐसा होता है, जैसे टिपिकल न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब एक आम न्यूक्लियर प्रोसेस जो आपको पढ़नी होगी इस चैप्टर में वो इस टाइप की आएगी, एक न्यूक्लियस है ए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम का भी हो सकता है, ठीक है, या सल्फर का या गोल्ड का या किसी और एलिमेंट का, और उसके ऊपर एक स्मॉलर पार्टिकल आकर स्ट्राइक करता है उस न्यूक्लियस को। ठीक है, इसको हम इम्पिंजिंग पार्टिकल बोलते हैं, इम्पिंजिंग मीन्स दैट विच कम्स एंड स्ट्राइक्स, इम्पिंजिंग पार्टिकल। और ये इम्पिंजिंग पार्टिकल के इसके ऊपर स्ट्राइक करने से कोई नया न्यूक्लियस, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस या कोई प्रोडक्ट न्यूक्लियस, नया न्यूक्लियस बन जाता है। मतलब ये यहाँ पे एक एक का एटम दिखाया हमने, ठीक है ना, जैसे इसको अगर हम कंपेयर करें तो जहाँ से, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ए गायब नहीं हो गया, देयर इज नो ए ऑन दिस साइड, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड इज नॉट सेम, एंड सम न्यू स्मॉलर पार्टिकल इज एमिटेड। ये स्मॉलर पार्टिकल ने इसको स्ट्राइक किया, इसको फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है, और ये डॉटर न्यूक्लियस या प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ठीक है, और साथ में हम कई बार यहाँ पे ऐसे क्यू लिखते हैं, क्यू स्टैंड फॉर एनर्जी, क्यू इज नॉट एन न्यूक्लियस, ठीक है, विच हैज बीन प्रोड्यूस, क्यू स्टैंड फॉर द एनर्जी। अगर हम ना भी लिखें तो भी देयर इज अ सर्टेन क्यू वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन। तो टिपिकल न्यूक्लियर प्रोसेस विच वी विल हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी ऑफ दिस फॉर्म, स्मॉलर पार्टिकल एक बड़े न्यूक्लियस को टकराया, एक नया न्यूक्लियस बन गया, ये दोनों ही खत्म गायब हो गए, वी कांट सी देम, और ये दोनों, ये स्मॉलर पार्टिकल फ्रेगमेंट और एक ये डॉटर न्यूक्लियस या प्रोडक्ट न्यूक्लियस ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है न्यूक्लियर प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में ये जो क्यू वैल्यू, इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ तो हम बेटा पहले से बोलते आ रहे हैं, लास्ट ईयर वर्क एनर्जी का चैप्टर जब हमने किया था तब भी आपको बताया था, ठीक है, और कल भी बच्चे मुझसे मांग रहे थे नाइट में तो मैंने उनको भेज दिया, आई जस्ट टोल्ड देम दैट मास एंड एनर्जी आर जस्ट वन एंड द सेम थिंग। उसके बारे में एक आइंस्टाइन की क्लिप है जिसमें आइंस्टाइन खुद ही यही बात बोला है कि मास एंड एनर्जी आर द सेम स्टफ, एक ही चीज़ होती है मास और एनर्जी। तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या है कि इस तरह इन दोनों का जो मास है, सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स ऐसे ले लेते हैं बेटा, ठीक है, और इसमें से अगर हम इन दोनों के मासेस को सब्ट्रैक्ट कर दें, सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन दोनों के, तो ये एनर्जी है बेसिकली, मास एनर्जी, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि दिस, इसको रेस्ट मास बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये इतनी एनर्जी के बराबर है, इन दोनों का मास इतनी एनर्जी के बराबर है और इन दोनों का मास इतनी एनर्जी के बराबर है, इट इज इक्वल टू सो मच एनर्जी। तो अगर इन दोनों में से हम सी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है यहाँ पर, ये जो टर्म, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, मतलब इस रिएक्शन में मास एनर्जी बढ़ भी सकती है, मास बढ़ भी सकता है और मास कम भी हो सकता है इन जनरल, मतलब इन दोनों का मासेस का सम इन दोनों के मासेस से कम भी हो सकता है, ठीक है, और इन दोनों का मासेस का सम इन दोनों के मासेस से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ हो सकता है। तो सपोज इन इन दोनों के मास को हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का मास उनसे कम है, मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव है। तो जो केमिकल रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम बोलते हैं दैट मास इज कंजर्व, ठीक है, मास इज कंजर्व बिकॉज एटम्स कंजर्व है, कोई भी एटम गायब नहीं हुआ, एक कैल्शियम यहाँ तो ये कैल्शियम यहाँ भी आएगा। अब इस कैल्शियम के एटम का यहाँ पे मास है 40U, U तो याद है ना आपको क्या है, और यहाँ पे इसका मास कितना है, सेम 40U। तो अगर हम एक एक एटम यहाँ पे काउंट करें तो सबका जितना यहाँ मास आएगा इनका भी यहाँ मास, तो केमिकल रिएक्शन में हम बोलते हैं मास इज कंजर्व। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट करेक्ट, इनफैक्ट इस चैप्टर में दिया हुआ है कहीं पे एनसीईआरटी की बुक में, आप पढ़ लेना, यू फाइंड आउट कि केमिकल रिएक्शन में भी हर जगह केमिस्ट्री की बुक्स में लिखा है केमिकल रिएक्शन में देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट इज नॉट करेक्ट. इसके अंदर भी मास एनर्जी चेंज हो सकती है, जैसे इसमें मैंने बताया ना कि इन दोनों के मासेस का सम एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आएगा. तो इसमें भी इसको ये जो टर्म है ये इसको हम कई बार डेल्टा एम से डिनोट कर देते हैं, बट डेल्टा एम डज नॉट मीन फाइनल माइनस इनिशियल हेयर. तो इसलिए डेल्टा से नहीं करना, तो आप इसको सिर्फ एम से डिनोट कर लो. इसको हम कई बार मास डेफिसिट बोलते हैं. मास डेफिसिट इज ऑलवेज सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, और ये वाली इक्वेशन को हम कैपिटल एम सी स्क्वायर लिखते हैं, और ये ही क्यू वैल्यू होती है इस रिएक्शन की. क्यू वैल्यू मतलब अगर एम पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा थी, ये एनर्जी कम रह गई, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बाहर निकलती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है. यदि ये क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, क्यू वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, जब एम पॉजिटिव आएगा. एम पॉजिटिव कब आएगा, जब ये मासेस का सम ऑफ रिएक्टेंट्स और सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये पॉजिटिव चीज है. तो मतलब इसमें क्यू वैल्यू ऐसे लिखेंगे तो फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा. एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी जो मास गायब हो गया, खत्म हो रहा है, वो हीट की फॉर्म में या इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाती है. सो द मास एंड लॉस्ट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ. और अगर ये रिएक्टेंट्स के मासेस का सम ज्यादा है, सपोज ये ज्यादा है और ये कम है, फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से वो मास में कन्वर्ट हो गई, बिकॉज रिएक्टेंट्स के मासेस का सम ज्यादा आ गया. केमिकल रिएक्शन में भी थोड़ा सा मास डेफिसिट आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम मास डेफिसिट आता है. मतलब आप फिफ्थ टेंथ प्लेस ऑफ डेसिमल पर चेक करोगे तो मासेस में फर्क मिलेगा. मतलब अगर आप थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इनका मास काउंट करोगे और इनका मास थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक देखोगे तो आपको लगेगा सेम है, कोई मास डेफिसिट नहीं है. लेकिन सिक्स्थ और सेवन्थ प्लेस में फर्क मिलेगा या उससे भी ज्यादा. तो मतलब वेरी लेस मास डेफिसिट कैन बी देयर इन केमिकल रिएक्शन ऑल्सो. वो क्यों है वो आप एक बार पढ़ लेना. ठीक है, तो ये चैप्टर में क्योंकि आपको रिलेटिविटी नहीं ज्यादा पढ़ाते तो मास एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बच्चों को कम पता चलता है, लेकिन इस चैप्टर में मास एनर्जी की कैलकुलेशंस भी करनी है, इसलिए मुझे बताना भी पड़ रहा है थोड़ा सा. ये तो सबको मालूम ही है आइंस्टाइन मास एनर्जी फॉर्मूला, इफ एम एम मास इज इक्वलेंट टू दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. बस बाकी आपको कि मैं आपको भी आइंस्टाइन का क्लिप भेज दूंगा, इट इज सम वेरी इंस्ट्रक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. अंगद आपको मैंने नाइन्थ में बताया था ना क्या कि ऐसे कोई क्लिप है और वो फेक नहीं है, जैसे नेट के ऊपर बहुत सारी फेक वो है, क्योंकि उसमें इतनी फनी आवाज है वो आइंस्टाइन की हो सकती है, ऐसे लोगों की आवाज बहुत फनी होती है. नहीं, दिस स्पीक इन अ वेरी वंकी सॉर्ट ऑफ वे. वैसे भी वो जर्मन था आइंस्टाइन, और अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही होगा जैसे कोई हरियाणवी आदमी अंग्रेजी बोल रहा है, तो समथिंग लाइक दैट. तो देखना बेटा, ये तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस रिएक्शन में क्यू वैल्यू. देखना आपके नोट्स में पढ़ लो एक लाइन, मैं थोड़ा धीरे धीरे ही कराया आपको. एक बार पढ़ना शुरू शुरू में दिया हुआ, A typical nuclear process which at low energies is of this form. इसी तरीके के nuclear reactions usually हमें study करने होते हैं. आपकी NCERT की book की back exercise में numericals भी दिए हैं उसके. ठीक है, इस तरीके के chemical processes के numericals are also given. देख लिया बेटा? ठीक है, अब देखना कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपने प्रोटॉन डिस्कवर किया, कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर किया. एवरी टाइम आई फील दैट आई शुड गो ऑन विद दिस स्टोरी, लेकिन क्योंकि मार्क्स के टर्म्स में इतना बेनिफिट नहीं होता और आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, आपको क्या लेना देना, वैसे भी बच्चों को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आएगा नहीं ना पेपर में. तो इसलिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में बस आपको छोटी क्लास से मालूम है, न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल है, एक जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन और एक जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन. तो डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल्स वॉज डिफिकल्ट, और फिर ये कैसे धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुआ. तो जैसे प्रोटोन है, तो सबसे पहले कैसे पता चला कि प्रोटोन जैसा कोई पार्टिकल होता है. सो पीपल वर लुकिंग एट हाइड्रोजन एटम, आपको मालूम है. ठीक है, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम. सो दे डिड एक्सपेरिमेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, हमने सुना होगा डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. उसमें कैनाल रेज होती हैं, ठीक है, और कैनाल रेज वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं. फिर वो जो कैनाल रेज है उनकी प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए. धीरे धीरे पता चला कि ये जो कैनाल रेज है इनमें तो पॉजिटिव आयंस हैं या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज मेजर किए, जैसे ई बाई एम. ठीक है, चार्ज टू मास रेशो हमने देखा होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में चार्ज टू मास रेशो आती है जब पार्टिकल्स कैपेसिटर के अंदर हो जाते हैं ऐसे पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में, तो उसमें हमने देखा था ना क्यू बाई एम के ऊपर कितनी डिफ्लेक्शन उसकी होगी, ये याद है आपको.
फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे पार्टिकल को भेजते हैं, एनसीईआरटी में फिगर बनाइए, तो कितनी डिफ्लेक्शन होती है वो ई बाई एम पे डिपेंड करती है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता चला है कि जो हाइड्रोजन का एटम है एक्चुअली इट इज वन पार्टिकल, देन अदर काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वर आल्सो डिस्कवर्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे लोगों ने पता लगाया वो इस पार्टिकल का बना हुआ है। और फिर कुछ अलग टाइप के हाइड्रोजन के एटम्स भी होते हैं, वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से पता चला कि जिसमें इस पार्टिकल का जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसका मास इसके मास के जितना नहीं होता, वो आइसोटोप्स होते हैं अगर आपको कुछ याद है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्लोली इट वॉज एस्टैब्लिश दैट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज जस्ट दिस पार्टिकल जो कैथोड रेज में कैनाल रेज में बनाता है। तो मतलब इसके हिस्टोरिकल पार्ट को करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा, जब ये रेडियो मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करनी शुरू की लोगों ने और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने बताया, तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ स्टडी किया, जैसे सोडियम और उसके बाद फिर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मैग्नीशियम कैल्शियम। सो पीपल स्लोली फाउंड कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सबके न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिलता है। तो पीपल थॉट दैट न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन ही सारे एटम्स को न्यूक्लियाई को बनाता है। तो मतलब काफी कन्फ्यूजन हुआ, फिर धीरे धीरे ये एस्टैब्लिश हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर प्रोटोन ही होता है, इट इज जस्ट प्रोटोन विच इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो ये 1910 और 20 के बीच में ये सारी रिसर्च हो रही थी, जब ये धीरे धीरे लोगों को क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन जैसा पार्टिकल होना जरूरी है और प्रोटोन इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, फिर आपके नोट्स में ही दिया हुआ है कि 1932 में जिसको नोबेल प्राइज मिला था चैडविक और उसकी टीम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने बेरिलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया, बम्बार्ड मींस अल्फा स्कैटरिंग कर रहे थे बेरिलियम के न्यूक्लियस की। तो दे फाउंड कि जो बेरिलियम की शीट में अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करते हैं, तो काफ़ी दिनों से ये एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, वहाँ पर कुछ न्यूट्रल रेज आती है, न्यूट्रल रेज मीन्स कोई चीज़ निकलती है जो ना तो पॉजिटिवली चार्ज है जो ना नेगेटिवली चार्ज है। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उन न्यूट्रल रेज की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। देन इट वॉज स्लोली इस्टेब्लिश फ्रॉम देयर रिसर्च दैट न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, और ये सभी न्यूक्लियाई में हो सकता है। ठीक है, मोस्ट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में ये होगा, जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में नहीं होता, बट हाइड्रोजन के तीन टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। नहीं, और क्योंकि मैंने आपको बताया ना एलिमेंट की पहचान क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हाइड्रोजन के तीन अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, दूसरे न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, उसमें भी एक ही प्रोटॉन है, बिकॉज प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा। लेकिन चलो अभी करते हैं, ठीक है, तो ये मतलब आपके उसमें दिया हुआ है। तो एक दो चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे मास कितना है, तो मास कितना है बेटा, अभी हमने 1U की बात की थी, एक तो ये याद रखना है 1U की डेफिनेशन क्या होती है, ये याद है ना स्मॉलर क्लासेस से, तो 1U 1/12 द मास ऑफ मॉडर्न टाइम्स में, पहले चाहे कुछ भी होती, पहले अलग अलग डेफिनेशन यू की चली थी, तो 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, तो C12 का मतलब क्या है, C stands for carbon and carbon is studying in 12th class. 1/12 the mass of carbon. तो basically carbon के कई तरीके, मैं आपको बता रहा ना, देखो इसके अंदर फिर आपको isotopes के बारे में पढ़ना पड़ेगा, isotopes. तो जैसे हम बोलते हैं कि hydrogen के तीन अलग अलग type के nucleus हैं, एक nucleus है जिसमें एक proton है, दूसरे nucleus में भी एक ही proton है, तीसरे में भी एक ही proton है, लेकिन इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें दो न्यूट्रॉन्स हैं, ये तो पढ़ा हुआ आपने, इन तीनों को हम हाइड्रोजन का आइसोटोप बोलते हैं। तो मैंने भी बहुत बड़ा न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो तो आपको मालूम ही है, पर इसमें इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो केमिस्ट्री में यूजफुल होते हैं, मतलब जहाँ हमें केमिकल रिएक्शन स्टडी करने, तो इसमें दो न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी चीज़ में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स तीनों में एक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस न्यूक्लियस, ये एक, ये डॉट तो वैसे ही लग गया, राइट, ये ना बेटा इसके अंदर जस्ट वन प्रोटॉन है, इसमें भी वन प्रोटॉन है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, कितने प्रोटॉन्स उस न्यूक्लियस में है वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और
इसका न्यूट्रॉन नंबर जीरो है, न्यूट्रॉन नंबर मतलब कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसका न्यूट्रॉन नंबर वन आएगा, इसका न्यूट्रॉन नंबर टू आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन वन वन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो वन टू, इन दोनों को ऐड करके जो नंबर मिलता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और इस नंबर को हम बोलते हैं मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस को न्यूक्लाइड बोल देंगे बेटा, न्यूक्लाइड। सो दीज आर थ्री डिफरेंट न्यूक्लाइड्स बट दे आर द सेम एलिमेंट। तीन अलग अलग न्यूक्लाइड्स क्यों है, क्योंकि तीन अलग टाइप के न्यूक्लियस हैं। तो मोर देन 2500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लाइड्स आर नोन टू मैन। आपने केमिस्ट्री में देखा है पीरियोडिक टेबल में कि एलिमेंट्स, तो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल हैज 118 एलिमेंट्स व्हिच हैव बीन कंफर्मड लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उन 118 एलिमेंट्स के 2500 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के न्यूक्लाइड्स हैं। न्यूक्लाइड मींस न्यूक्लाइड रेफर्स टू द न्यूक्लियस। तो दीज आर थ्री डिफरेंट न्यूक्लाइड्स। मास नंबर क्या है, जेड और एन का सम, ठीक है। तो अगर हम सिंबल ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन का, तो यहां पे एटॉमिक नंबर आता है जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज 1 फॉर हाइड्रोजन, और यहां पे मास नंबर आता है। डोंट कंफ्यूज मास नंबर विद एटॉमिक मास। कई सारे लोग सोचते हैं कि क्लोरीन के लिए यहां 35.5 आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक मास होता है 35.5 यू, वो नहीं आ सकता है। ए इज मास नंबर, इट हैज टू बी होल नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो फ्रैक्शनल कैसे हो सकता है, इसमें आधा प्रोटॉन या ढाई प्रोटॉन और ढाई न्यूट्रॉन थोड़ी आ जाएगा, ठीक है, या 0.25 प्रोटॉन। तो ये तो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, 35। यहां पे A stands for, A is not atomic mass, A is mass number. ये तो समझ में आ जाएगा बेटा। तो किसी भी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मास नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ उसका केमिकल सिंबल। ये समझ में आएगी बेटा सारी चीजें। तो आइसोटोप्स मीन्स दीज आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। तो C12 ये भी कार्बन के एक पर्टिकुलर आइसोटोप है, कार्बन के काफी सारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन के अराउंड 27 से भी ज्यादा आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। स्मॉलर क्लास में आपने पढ़ा है दो है, Cl35, Cl37, बट देर आर मेनी। तभी देखो कितने न्यूक्लाइड्स आते हैं, बहुत सारे न्यूक्लाइड्स हैं। तो वो एक एक एलिमेंट के 30-30 आइसोटोप्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ एक दो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, अब इन तीन में भी ये ज्यादातर मिलता है। तो जब पहले रिसर्च की तो यही मिल रहा था लोगों को रिसर्च में, तो उन्होंने देखा इसका न्यूक्लियस क्या है, उन्होंने देखा इसका न्यूक्लियस तो जस्ट एक प्रोटोन है, और प्रोटोन पहले से फाइंड आउट हो चुका था कैथोड रेज के अंदर, सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर, कैथोड रेज में नहीं, कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर जो कैनाल रेज होती है उनके अंदर ये पहले फाइंड आउट हो चुका था। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डू रिसर्च इतनी स्मॉल चीज़ों के अंदर। और फिर उन्होंने बाद में देखा कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी होते हैं हाइड्रोजन के, कुछ ऐसे भी होते हैं, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। तो अभी हमें मालूम है कि कितने परसेंट दुनिया में ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के कितने परसेंटेज ये, जिसको हम आइसोटोपिक अबंडेंस बोलते हैं ना, ये इतने परसेंट मिलता है, ये इतने परसेंट मिलता है। तो व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इट इज लाइकली दैट ऑल थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई विल गो इनटू योर स्टमक व्हेन यू ड्रिंक वाटर, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल में तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है H2O में, ठीक है ना। तो वो तो इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास के, आपको इन तीनों के मास की एवरेज निकालनी, और वो आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके मास से, याद है आपको कि इसकी परसेंटेज कितनी है। और चलो खैर वो तो आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है इसमें न्यूक्लियस वाले चैप्टर में कि इनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है, ये तो याद होगा। जैसे अगर ये एक्स परसेंट है, ये वाई परसेंट है, तो ये कितने परसेंट होगा, 100 माइनस एक्स प्लस वाई, पर चलो इसको जेड परसेंट ले लेते हैं। अब इसका एटॉमिक मास है M1, इसका एटॉमिक मास है M2, इसका एटॉमिक मास है M3, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं केमिस्ट्री में, आपको बताया एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, वाई को इससे करना है, जेड को इससे करना है, और फिर डिवाइड बाई 100, यही करते हैं ना, तभी तो एवरेज आती है। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसको इससे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इट इज अकॉर्डिंग टू द अबंडेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ न्यूक्लाइड आप उसका मास निकालते हो, एवरेज निकालनी होती है। तो एनसीईआरटी की बुक में एक दो न्यूमेरिकल दिए हैं, बोर्ड्स में नहीं आते वो न्यूमेरिकल इस टाइप के इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में, क्योंकि केमिस्ट्री में नाइन्थ से आप कर चुके हो, नाइन्थ में करना शुरू करते हैं। बेटा 1U की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में लिखी हुई है, देखना एग्जैक्ट वैल्यू है ना 1.67, काफी प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिखी हुई है 10^-27 kg, 1.6700 है ना,
1.67 49 20, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी याद कर लो तो अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है उसमें। और आपको न्यूमेरिकल अगर आता है, वैसे तो इसके न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब पता चलेगा क्यों मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सारा डेटा जरूर दिया होता है पहले पेज के ऊपर, ट्वेल्थ क्लास का जो पेपर है यहाँ पे लिखा होगा ट्वेल्थ क्लास, वहाँ पे फर्स्ट पेज पे डेटा लिखा होगा बहुत सारा, उसमें ये 1U की वैल्यू भी दी होगी, और उसमें देखो आप प्रोटोन का मास दिया हुआ है बेटा, प्रोटोन का मास देखना कैसे दिया हुआ है, बड़ा लंबा मास दिया हुआ है ऐसे, तो मैंने तो और भी खतरनाक डाल दिया, एनसीईआरटी वालों ने तो 5 places of decimal तक डाला है इसमें, कितनी प्लेस ऑफ डेसिमल तक, ये बेस्ट वैल्यू है, बेस्ट वैल्यू नोन टू मैन अबाउट द मास ऑफ द प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो थोड़ा सा ज्यादा है उससे, प्रोटॉन का ऐसे कुछ 1.0007 और फिर आगे कुछ 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 करके यू, और न्यूट्रॉन का 1.0008 करके होगा ऐसे कुछ, ऐसे ही है ना, और उसको केजी में भी लिखा हुआ है, तो अगर आप याद कर लेते हो तो इट इज अ वेरी गुड, बट ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो ये क्वेश्चन आता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, नहीं ये आएगा न्यूट्रॉन का मास कितना है। नोट्स में इसलिए डाला है क्योंकि सीबीएसई में ये टॉपिक लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको ये बताना चाहिए न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स हैं, उनका कितना मास है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है आपको मालूम है, प्लस ई, वेयर ई इज 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, प्रोटॉन का चार्ज तो सबको मालूम है, बस इतना मालूम होना चाहिए बेटा जो आपके फर्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ, इससे ज्यादा आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 1U की डेफिनेशन याद रखो, फिर आगे आपको ये बताएंगे कि अगर हम 1U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो देन हाउ मच एनर्जी इज फॉर्म्ड, इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट 1U ऑफ मास, तो 1U की इक्विवेलेंट एनर्जी, वो आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद करनी है, ठीक है, तो अभी बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है ना, अभी इसको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैंने सारी अभी आपको बता भी दी और नोट्स में भी लिखी हुई है, ज़्यादा चीज़ें याद करने का फायदा नहीं है, वट एवर इज गिवन इन दी नोट्स दैट इज इम्पॉर्टेंट, वट आई स्पीक इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, आई स्पीक लॉट ऑफ थिंग्स विच आर जस्ट कोई लेक्चर कहीं बनाने के लिए हमें बोलनी पड़ती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके बेटा ये देखना, ये कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, आइसोटोप्स दिया हुआ उसमें, ये हम याद कर सकते हैं, ठीक है, आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्लास में आपने किए होंगे, ठीक है ना, तो आइसोटोन्स और आइसोबार्स, आइसोबार्स मींस काफी सारे हम याद कर सकते हैं सीरीज पूरी बनाकर, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, अभी भी आ सकता है आपको, जैसे 1 mark क्वेश्चन अभी ज्यादा आएंगे, तो 1 mark में बहुत बार क्वेश्चन आता था कि आपको 4 nucleus दे देते थे और आपसे पूछते थे इन न्यूक्लियाई में क्या रिलेशनशिप है, तो आंसर ये होता था ये सब एक दूसरे के आइसोटोन्स है, ऑल दीज आर आइसोटोन्स, व्हाट आर आइसोटोन्स, किन न्यूक्लियाई को हम आइसोटोन्स बोलते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम, जैसे गोल्ड और मर्क्यूरी का एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी इस लिस्ट में और भी आ जाएंगे कितना आएगा 197 या 198, ये दिया ना आपके नोट्स में एग्जांपल, ठीक है, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, दिस माइनस दिस, और उसके अंदर भी 198 - 80, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने कितने आए 98 और कितने 108 निकाल लेना, ठीक है ना, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दोनों में, तो ये आइसोटोन्स हैं, और इस लिस्ट में और भी कर सकते हैं, 4 examples लिख सकते हैं हम, पर इतना तो कम से कम आपको अगर पूछ लेते हैं कि व्हाट आर आइसोटोन्स, तो आपके पास एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए देने के लिए एटलीस्ट 1, और आइसोबार्स मींस ये आइसोबार्स हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जांपल ले लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 3, अब बताओ आइसोबार्स क्या है, जिनका मास नंबर सेम होता है बट वो अलग न्यूक्लाइड अलग एलिमेंट्स हैं, सो न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट क्यों है ये, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, बट हैविंग द सेम मास नंबर दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स, आइसोटोप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बस इतना ही करना है बेटा इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देखते हैं आप एक्सप्लेन कर पाते हो कि नहीं, तो ये कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना, लेट्स इमेजिन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बहुत कम है लेकिन अभी उसको हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, कोई भी आप देखते हो, अभी जैसे मैंने लिखा था गोल्ड का लिखा था मैंने, तो 79 इसके अंदर प्रोटॉन्स है और 197 इसका मास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक आइसोटोप है, गोल्ड के आइसोटोप्स और भी होंगे,
198 वाला भी हो सकता है, 196 वाला भी हो सकता है, गोल्ड के कई सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, बट इसके अंदर 79 तो मुझे प्रोटॉन्स बनाने पड़ेंगे पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके अंदर ड्रॉ करना, तो चलो कोई बात नहीं। और फिर मुझे इसके अंदर न्यूट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो सारे न्यूट्रॉन्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है जिसको मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, ये साइज इसका ध्यान में रखो 10^-15 मीटर्स रफली, ठीक है, इतना साइज है इसका। तो इतने छोटी सी जगह में इतने सारे पार्टिकल्स क्रैम्प अप किए हुए हैं, मतलब उनको ठूस ठूस के भरा हुआ है, ठीक है, दे आर ऑल पैक्ड इन दिस न्यूक्लियस। तो वी कैन आस्क, इसमें अलग अलग कैलकुलेशन है, देखो पहले एक कैलकुलेशन है जिसको हम बोलते हैं वी कैन एस्टिमेट न्यूक्लियर डेंसिटी, ये बहुत बार आता है। तो हमें लग रहा है कि इतने सारे पार्टिकल्स इतनी छोटी सी टाइनी वॉल्यूम में अगर हमने फिलअप किया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी आपको बताया था कि एटम का 99.9% मास तो न्यूक्लियस में ही होना चाहिए, नहीं तो अल्फा पार्टिकल पीछे रिकॉइल नहीं होगा। तो इसके अंदर इतना मास है तो इसकी डेंसिटी निकालते हैं, तो ये वी फाइंड कि न्यूक्लियस की डेंसिटी वो अनयूजुअली हाई आती है। अनयूजुअली मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते, नथिंग ऑन अर्थ हैज सो मच डेंसिटी, नो लिक्विड नो सॉलिड, उसकी डेंसिटी इतनी नहीं आती। न्यूक्लियस के मैटर, न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी 10^17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है। मतलब अगर एक इतनी डेंसिटी का अगर आप 1 मीटर का क्यूब बनाओगे, 1 मीटर का एक स्फीयर बनाओगे, 1 मीटर रेडियस का स्फीयर बनाओगे, तो उसका मास 10^17 केजी हो जाएगा, आप देखो। और अर्थ का मास किस ऑर्डर का, 10^24 केजी। तो दिस इज वेरी हैवी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज वेरी हाई। तो वो तभी पता चला ना जब इसमें आपने देखा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, उनका मास कितना है। तो अभी हम एस्टिमेट कर सकते हैं हाउ टू फाइंड न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी ऐसे फाइंड करेंगे बेटा, मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय 4/3 πr³। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये ऐसे बन जाएगा 3 mn, यही आएगा ना न्यूक्लियस मास अपॉन डेंसिटी 4π r³, ठीक है। ओके, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ न्यूक्लियर डेंसिटी से पहले, वहां पे बताता हूँ। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के बारे में रिसर्च करना इट वॉज वेरी हार्ड। तो जितनी भी रिसर्च होती है वो अल्फा स्कैटरिंग या दूसरे अलग अलग तरीके के आयंस को हम प्रोब्स की फॉर्म में यूज करते हैं। प्रोब्स मतलब आप उसकी तरफ पार्टिकल्स को डायरेक्ट करते हो, फेंकते हो, थ्रो करते हो बहुत हाई स्पीड पे, और वो न्यूक्लियस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उससे हमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज का पता चलता है, कहाँ पे स्फेरिकल है, कहाँ पे डिविएशन है स्फेरिकल बिहेवियर से, अंदर चार्ज कैसे अंदर फैला हुआ है, ठीक है, अंदर और कई सारी और रिसर्चेज होती हैं, जैसे हमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी सी इस चैप्टर में। जैसे न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, हाइड्रोजन के एटम में हमने देखा था -8, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियस के बारे में, ऑल दोज रिसर्च इज ऑब्टेन्ड बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स ओनली, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोब्स, प्रोब मीन स्मॉल पार्टिकल विच आर थ्रोन एट द न्यूक्लियस, और इनको हाई स्पीड से मूव कराना होता है, उसके लिए एक्सीलेटर यूज करते हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा था। तो आपने तो एक सिंपल से डिवाइस ही पढ़ी है साइक्लोट्रॉन की, मॉडर्न टाइम्स के एक्सीलेटर अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, उस टाइप के यूज नहीं होते, लेकिन अभी कॉमनली जैसे दिल्ली में फैसिलिटीज हैं पार्टिकल्स को एक्सेलेट करने की। तो अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको वहां से टाइम लेकर और फिर देन यू हैव टू गो टू दैट पार्टिकल एक्सेलेटर एंड देन यू कैन डू रिसर्च, और उसमें वो टाइम इज अलॉटेड टू पीपल। तो वैसे रिसर्च करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि अगर हम न्यूक्लियस को एक स्फीयर की फॉर्म में विजुलाइज करें रफली, ठीक है, तो अलग अलग न्यूक्लियस का जो रेडियस आता है वो एक सिंपल फॉर्मूले में फिट हो जाता है। मतलब इस फॉर्मूले का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, लॉट ऑफ रिसर्च ऑन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूक्लियस रिवील्स दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, अलग अलग न्यूक्लियाई का रेडियस, कितने न्यूक्लियाईज हैं, मैंने बताया ना 2500 से भी ज्यादा है। तो अलग अलग के साथ एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जिनको बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट में भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं। तो उन्होंने रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया है कि जो न्यूक्लियस के रेडियाई हैं वो इस फॉर्मूले को ऑब्वे करते हैं, मतलब ठीक है, इस तरीके का एक रिलेशनशिप है न्यूक्लियर रेडियस, आपके नोट्स में दिया हुआ है देख लेना। रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मतलब एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूला निकाला है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो इसमें R0 इज दिस वैल्यू, R0 इतना होता है इसमें, और A मास नंबर है। ये परफेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है कि आप एग्जैक्ट रेडियस नहीं आएगा, पहली बात तो न्यूक्लियस स्फीयर ही नहीं है परफेक्टली, ठीक है। तो रफली हम काम करते हैं कि रफली ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे हो सकता है कुछ में भी, ठीक है, आपको कैसे पता पार्टिकल्स बिल्कुल सही से है, ये पार्टिकल है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो मैंने ये बनाए,
तो 1.5 ये यहां पे R0 की वैल्यू होती है, यहां मास नंबर आता है। इसके ऊपर बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन के ऊपर होता क्या है कि आपको दो न्यूक्लियाई दे रहे थे, उनका मास नंबर दे रहे थे और आपको बोलते हैं कि इनके रेडियस की रेशियो निकालो, तो रेडियस की रेशियो कितनी आएगी, तो मास नंबर दे देंगे आपको, A1 दे देंगे और A2 दे देंगे, ठीक है। और आपसे पूछेंगे उनके रेडियाई की रेशियो निकालो, बस सिंपल। ज्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होता कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस इस फॉर्मूले से कंप्यूट कर सकते हैं, इसमें R0 की वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो R1 और R2 की रेशियो लेंगे तो R0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। इस डिस्टेंस को शॉर्ट में 10^-15 मीटर्स को शॉर्ट में, इस डिस्टेंस को शॉर्ट में हम 1 फर्मी बोलते हैं। 1 फर्मी, फर्मी वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट हु विजिटेड आवर विलेज इन 1947, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट जो था उसके अंदर इन्वॉल्व था आइंस्टाइन। मतलब ये तब सीनियर पर्सन था, आइंस्टाइन वॉज अ यंग पर्सन रिलेटिवली, आइंस्टाइन भी सीनियर था बट ये इटालियन साइंटिस्ट था जो उस प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। जब फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया था US ने 40s के बाद, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था उसको लॉस एलामोस प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो उसमें ये मतलब ही वॉज अ पोजिशन ऑफ मेजर, तो इसके ऑनर में 1 फर्मी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेरे को लगता है कि पॉलिटिशियंस के नाम के ऊपर इन डिस्टेंसेस को रखा जाएगा बहुत सून, ठीक है। 1 ट्रम्प 1 मोदी ऐसे कुछ डिस्टेंसेस आ जाएंगे। चलो अच्छे टाइम में अच्छी रिसर्च होगी, इट इज़ गुड, ये देखना बेटा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे आएगी देखना। न्यूक्लियर डेंसिटी, अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया, ये वाला फॉर्मूला R=R0, इसमें और कुछ नहीं है, आप नोट्स में देख लो बस दो लाइन कि ऐसा फॉर्मूला होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आते हैं बेटा, देखना न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय, अब ये आर ले लो, जैसे उसमें मैंने कैपिटल आर यूज किया था तो ये कैपिटल आर ले लिया। तो अगर हम इसमें ऐसे रख दें बेटा, मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय 4, अब R=R0(a^1/3), R³=R0³, ये a आ जाएगा। तो वहां से अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें R³ और मास नंबर, ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब R0 की वैल्यू नोन है, पाई की वैल्यू नोन है, 3/4 नोन है, MN और A के अंदर भी हम कर सकते हैं ना। न्यूक्लियस के मास को हम अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज Z, तो Z को अगर हम मास ऑफ प्रोटोन से मल्टीप्लाई कर दें, Z इज मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटोन, क्योंकि इतने न्यूट्रॉन प्रोटोन्स हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, A-Z, इसमें इतने न्यूट्रॉन्स हैं, इतने न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास रफली सेम होता है। आप देख लो न्यूट्रॉन का मास बहुत थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन के मास से, तो अगर हम इन दोनों के पार्टिकल्स के मास को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को सेम मान लें, रफली दोनों के मास को, आप इसको भी आप MP मान लो फॉर द टाइम बीइंग, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा A×MP। तो अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस का मास A×MP आ जाएगा, A×MP मास ऑफ द प्रोटॉन। हमने MP इसलिए लिखा है ताकि कम मास हम निकाल रहे हैं, MN लिख देंगे तो आप ज्यादा एस्टिमेट कर रहे हो ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो A कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास ये चीज आ गई, 3 times मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R=R0³, A कैंसिल हो गया। अब इसमें सारी वैल्यूज देखो, नोट्स में पुट करके दिखाई होंगी वैल्यूज को, तो प्रोटॉन का मास 2 places of decimal तक तो आपको आना चाहिए केजीज में, 1.67 × 10^-27 केजी, ठीक है, और R0 की वैल्यू 1.2 × 10^-15 मीटर्स। जब हम सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर निकालते हैं, तो न्यूक्लियर डेंसिटी 10^17 kg/m³ के अराउंड आती है। ये अलग अलग न्यूक्लियस के साथ सेम वैल्यू आती है, ऐसा नहीं कि गोल्ड के साथ या सोडियम के साथ या आयरन के साथ किसी के साथ अलग आएगी, सभी के साथ नियरली सेम वैल्यूज आती हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी हाई है, ठीक है, तो ये आइडिया आपके माइंड, मतलब इसमें मैटर को बहुत टाइटली पैक किया गया, मैटर इज वेरी टाइटली पैक्ड इन अ न्यूक्लियस, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। सारी बात ये बता रही है कि न्यूक्लियस के अंदर मैटर को इतना टाइटली पैक किया गया। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जब न्यूक्लियस, पहले तो न्यूक्लियस था ही नहीं, फिर डिस्कवर हुआ, फिर उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी शुरू की, फिर पता लगा कि किसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज जैसे जैसे एस्टैब्लिश हुई, तो देन दिस प्रॉब्लम अरोज, पीपल स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे रह सकता है, ये तो एक्सप्लोड कर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है
और प्रोटॉन्स हैं उनको इतना टाइटली ठूस ठूस के पैक किया, लेकिन प्रोटॉन्स तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि जो कूलम फोर्स होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है। तो अगर आपके पास दो फोर्स, दो प्रोटॉन्स हैं Q1 Q2, अगर हम 9 × 10⁻⁹ लगाएं और इनके डिस्टेंस को 10⁻⁵ कर दें, तो आप देखो फोर्स कितनी आ जाएगी, फोर्स तो बहुत ज्यादा आ जाएगी इसमें तो। और एक दो प्रोटॉन्स थोड़ी है सिर्फ इसमें, इसमें तो जैसे 80-90 प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो जब इतने प्रोटॉन्स सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, तो ब्रेक कर जाना चाहिए न्यूक्लियस। सो देन पीपल फाउंड, फिर और रिसर्चेस की उन्होंने और फाइंड आउट किया कि न्यूक्लियस के अंदर एक नए टाइप की फोर्स जिसके बारे में पहले नहीं मालूम था, ठीक है, इनसाइड अ न्यूक्लियस अनदर फोर्स ऑपरेट विच वी कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स ऑपरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और इस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रह पाता है, मतलब न्यूक्लियस मतलब इट रिमेन्स इन द एटम फॉर सम टाइम, अदरवाइज तो एटम्स ही नहीं होंगे, न्यूक्लियस ही बर्स्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, तो एटम ही खत्म हो जाएगा। तो व्हाई एटम्स आर देयर एंड हाउ डू दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, तो उसके लिए न्यूक्लियस का थोड़ा बहुत टाइम तक तो स्टेबल रहना जरूरी है। अब तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेज भी हैं, फिर ये न्यूक्लियर फोर्स की भी रिसर्च वही स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से धीरे धीरे लोगों ने किया कि अब नए एक्सपेरिमेंट्स करो कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। तो लोगों ने कहा कि कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स है, कुछ जिसको हम ग्लू की तरह से बोलते हैं, ग्लू जो इसको बाइंड करके रखती है, नहीं तो इसको तो ये फट जाना चाहिए। सो देन दे ऑब्टेन्ड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पर डेट, तो ये एक दो साल में या पांच मिनट में एक्सपेरिमेंट नहीं हो गए, तो मेनी पीपल वर इन्वॉल्व, देयर लाइव्स वर इन्वॉल्व एंड दे डिड दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जिसको हमने 11th क्लास में मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फोर्स, अब ऐसी कोई फोर्स नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें नहीं दिखती है, इट इज अ न्यू काइंड ऑफ अ फोर्स। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दो ही तरीके की फोर्सेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिरता है, और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिससे बिट्स ऑफ पेपर आपके रूलर से चिपक जाते हैं, बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या जो चुंबक की वजह से चिपक जाते हैं आपस में, तो यही दो फोर्सेज हैं। बट ये स्ट्रॉन्ग फोर्स इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स विच कम्स इनटू एक्शन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स मीन्स बहुत सारी रिसर्च से जो मेन पॉइंट्स हमें पता चले हैं इसके बारे में वो आपको पढ़ने हैं। पहली बात, स्ट्रॉन्ग फोर्स ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी ज्यादा है। आप दो पार्टिकल्स को पास लेकर आओ, देखो क्या होगा, आप इनको पास लाओगे तो फोर्स जीरो डिस्टेंस कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, क्योंकि Q1 Q2 है ना बेटा, देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एयर को जीरो कर दिया तो आर को जब हम कम करेंगे फिर तो फोर्स बढ़ती जाएगी, तो ये फोर्स उसको ओवर पार करेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है मे बी इट हैज टू बी मोर स्ट्रॉन्गर इन अट्रैक्शन देन दी इलेक्ट्रिक फोर्स, तभी तो न्यूक्लियस को बाइंड कर पाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस फोर्स कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्स की क्या है कि दो पार्टिकल्स के बीच में, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स तभी एक्ट करती है जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 फर्मी, मतलब 3 × 10⁻¹⁵ से कम है। अगर आपने इनके डिस्टेंस को इतना कर दिया तो फोर्स ही गायब हो जाएगी, नो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट। सो दिस इज वन थिंग अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, इट इज शॉर्ट रेंज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है लॉन्ग रेंज, सन इतनी दूर से भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन ये फोर्स शॉर्ट रेंज है, थोड़ी सी दूर तक एक्ट करती है और उसके बाद ये एक्ट ही नहीं करेगी। अगर आपने दो न्यूक्लियॉन्स को 3 × 10⁻¹⁵ मीटर से ज्यादा दूरी पर रखा तो ये फोर्स गायब, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ फोर्स नहीं है, नो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट, ठीक है। तो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, दिस इज वन पॉइंट अबाउट, और दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव ऑल्सो एंड इट कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो। When it is attractive, then it is very heavily attractive. And again, when it is repulsive, तो वो जितनी attractive है उससे भी ज़्यादा repulsive भी हो सकती है। तो उसको हम कई बार hard sphere repulsion बोलते हैं। Hard sphere means जैसे rigid spheres एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो वो rigid हैं, तो उसकी वजह से बहुत strongly एक दूसरे को repel करेंगे। तो ये repulsive, when it is repulsive, it can be very heavily repulsive. ठीक है, nuclear force. फिर दूसरी बात, ये charge independent है। Charge independent means जैसे ये दो प्रोटॉन्स के बीच में एक्ट करती है, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जैसे एक्ट करेगी, वैसी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करेगी, और वैसी एक दूसरे न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करेगी, मतलब चार्ज को नहीं देखती है कितनी इसकी वैल्यू एक्ट करेगी, या व्हाटएवर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, सो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और शॉर्ट रेंज है वो आपको मैंने बता ही दिया, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, ठीक है।
तो और भी प्रॉपर्टीज हैं इस न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है, तो वो आपके नोट्स में भी दी हुई है एक दो, लेकिन आप इसको पहले इनके ऊपर फोकस बनाओ, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा था मैं, चलो ये बता रहे थे, न्यूक्लियर फोर्स में सैचुरेशन फीचर होती है, सैचुरेशन फीचर। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एक बहुत छोटी सी जगह में आपने भर दिए, ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपके पास तीन चार्जेस हैं तो ये तीनों चार्जेस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये अपनी फोर्स इस पर लगाता है और ये भी अपनी फोर्स इस पर लगाता है, ठीक है, और अगर इसमें 10 पार्टिकल और होंगे तो सब इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स लगाने से रह जाए, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है तो सारों की फोर्सेस इसके ऊपर लगानी पड़ेंगी और उनको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियन के ऊपर उसके जो इमीडिएट कुछ नेबर्स हैं वो तो बढ़िया ढंग से फोर्स लगाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ये इसको ढक लेते हैं, मतलब इसको शील्डिंग कर देते हैं थोड़ी सी। सो वन न्यूक्लियन कैन अट्रैक्ट और रिपेल सम ऑफ इट्स इमीडिएट नेबर्स ओनली, रिपेल भी कर सकता है, न्यूक्लियर फोर्स कैन बी वेरी स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव। तो एक तो कूलम फोर्स हो गई या इलेक्ट्रिक फोर्स होगी जो बहुत रिपल्सिव है, और एक इसके अंदर, क्योंकि जब दो न्यूक्लियंस को आप बहुत पास लेकर आते हो तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव बनती है। मैं भी आपको बता रहा हूं, पहले सैचुरेशन फीचर को समझ लेते हैं। वन न्यूक्लियन कैन इंटरैक्ट और एग्जर्ट फोर्सेस ओनली ऑन सम ऑफ इट्स इमीडिएट नेबर्स, ये न्यूक्लियन इसको अट्रैक्ट या रिपेल इतना ज्यादा नहीं करेगा, ऑल्दो उसका डिस्टेंस 1.5 फर्मी हो सकता है, मतलब बहुत ही कम हो सकता है, 3 फर्मी के बाद नहीं ऐड करती ना, 2 या 3 फर्मी के बाद ये 4.0 बन जाती है, ठीक है। लेकिन एक न्यूक्लियन अपने कुछ इमीडिएट नेबर से ही अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, इनसे कम उसकी बातचीत होगी, तो इसको सैचुरेशन फीचर बोलते हैं, दैट न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट। नहीं तो क्या होगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, उसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मैं बताऊंगा फिर बाद में क्या प्रॉब्लम क्रिएट। तो ये धीरे धीरे न्यूक्लियस, तो ये देखो आप, दिस इज अमेजिंग कि इतने छोटे न्यूक्लियस के लिए के साथ लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया। अगर इसको आप पूरी ग्लोरी में पढ़ोगे तो आपको और भी हैरानी होगी, ठीक है। तो लाइक वी आर सरप्राइज्ड एट हाउ गुड मेडिसिन हैव कम आउट, आप लोगों को नहीं पता बिकॉज इट इज गुड दैट यू डोंट यूज मच मेडिसिन, बट ओल्ड पीपल गेट टू यूज लॉट ऑफ मेडिसिन, सो दे नो वट गुड मेडिसिन जो मेडिकल रिसर्च से आई है, तो वैसे ही इसमें भी बढ़िया रिसर्च है, ठीक है, तभी ज्ञान विज्ञान का फायदा है, ठीक है, नहीं तो पढ़ना ही क्यों है ना। देखना बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए ये एक अच्छा ग्राफ आपके उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको ग्राफ। तो उसमें आप देखना 0, 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, ऐसे कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है कुछ, उसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज देख लेते हैं एक बार। ये एनर्जी का ग्राफ है, मतलब आपको मालूम है कि देखो जब दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्ट करेगी, मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, अगर ये दो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस है, अगर ये दो न्यूट्रॉन्स हैं या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो इनके बीच में कितनी फोर्स एक्ट करेगी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारे पास Q1 Q2 / r², ग्रेविटेशन फोर्स का है M1 M2 / r², और मैग्नेटिक फोर्सेस के भी आपने लिखे थे, लेकिन यहाँ पे वी हैव नॉट गॉट अ सिंपल फॉर्मूला। और ये बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों कंपोनेंट हो सकता है, इन्हीं को अगर आप बहुत पास ले आओगे तो ये रिपेल करने लग जाएंगे, और अगर ये थोड़ा दूर है तो अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा दूर है तो फोर्स ही नहीं लगेगी, कई सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ द आइडियाज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कैसे अपना काम कर रही है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ में कंटेंट है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें क्या फीचर है देखना, तो थोड़ा साफ नहीं बना हुआ एनसीईआरटी में, 1 फर्मी 2 फर्मी, ठीक है, और 3 फर्मी ऐसे, तो ये तो 2 × 10⁻¹⁵. तो इस ग्राफ में सबसे पहले तो ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एनर्जी प्लॉट करेंगे, तो मैंने फिर से घटा दिया, ये दो पार्टिकल है Q1 Q2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 / r², यहाँ पे K आ जाता है, और एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी के फॉर्मूले में K Q1 Q2 / r आता है, याद है आपको। तो एवरी फोर्स इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ एनर्जी, तो न्यूक्लियर फोर्स विल ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन,
पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन आएगी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हम लिखते हैं जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है उसमें ग्रेविटी में, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ऐसे आती है ना, ये तो किया हुआ है आप लोगों ने। तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जब फोर्सेस लगते हैं, फोर्स को इंट्रैक्शन बोलते हैं, फोर्स लगती है तो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, तो वो एनर्जी का एक ग्राफ है, कैसे बनाया वो उसके बारे में नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उस एनर्जी के ग्राफ को ऐसे बनाना है, सबसे पहले ये जो एनर्जी का ग्राफ है इसको यहाँ पे आप नियरली जीरो के पास बना दो, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में बढ़ेगा, मतलब टू फर्मी से लेके थ्री फर्मी के बाद तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है, जैसे इलेक्ट्रिक केस में हमने कहा था जब दो पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नियरली जीरो पे आ गई, बहुत ही कम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे डिप करके, तो इसको ऐसे यहां से बनाना चाहिए आपको, ये यहाँ पे ऐसे मिनिमम, यहाँ कहीं 0.8 फर्मी पे यहाँ मिनिमम वाला पॉइंट आएगा और फिर ये ऐसे राइज कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे कराने दिखाने का मतलब ये है, यहाँ उसमें लिखा है 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये 100 MeV 200 MeV, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ जरूर बनाना है। अगर आपसे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इस ग्राफ को बनाना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर कि दैट न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है और न्यूक्लियर एनर्जी का कर्व, ये जो एनर्जी आ रही है इसका ग्राफ। तो इस ग्राफ से हमें पता चलता है, पहली बात, ये एनर्जी नियरली जीरो कब हो गई है, जब दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 3 फर्मी के अराउंड हो गया, जब पार्टिकल्स को दूर कर दिया तो एनर्जी जीरो। यहां तक जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है यहां तक, लेकिन अगर आपने पार्टिकल्स को इससे पास कर दिया तो ये रिपल्सिव हो जाती है फोर्स, यहां पर ऐसा होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होती है, फोर्स माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये थोड़ा हार्ड है लेकिन क्योंकि बोर्ड में एक्सप्लेन नहीं करना आपको ये, तो यहां पे फोर्स अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि डी यू बाई डी आर क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप। अब ये डी यू बाई डी आर क्या है, पॉजिटिव, अगर डी यू बाई डी आर इज स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये एंगल एक्यूट है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, तो जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा तो फोर्स नेगेटिव आएगी, नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन। अगर ये एक बोर्ड में नहीं लिखना आपको, घबराना नहीं, बस ये लिखना है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया, यहां पे देखो, यहां पे du by dr will be negative क्योंकि tan theta is greater than 90 degrees, tan theta is negative, तो du by dr negative हो गया, ये minus और du by dr negative, तो force positive बन गई, positive force means repulsion। तो अगर नहीं समझ में आया तो ये argument देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं important नहीं होगा, ना ही आपको लिखना है, ना ही NCERT में लिखा है, ना ही किसी help book में, it does not exist for most people in the world। बस ये ग्राफ को पता होना चाहिए, ये ग्राफ कैसा आ रहा है, बस दैट्स ऑल। और इसमें आपको ये फीचर दिखानी है कि इस पॉइंट के बाद तो फोर्स रिपल्सिव बन गई, दो न्यूक्लियॉन्स को अगर हम इतना पास ले आए, ठीक है, और 3 फर्मी तक ले गए तो ये नियरली जीरो, इसको और ज्यादा यहाँ ऊपर बना सकते हैं आप चाहे तो इसको यहाँ और बना दो, ये जीरो पे तो टच नहीं करना चाहिए वैसे, और ऊपर बना दो टू इंडिकेट दैट एनर्जी इज नियरली जीरो, समझ में आएगा। तो इसमें अट्रैक्टिव रिपल्सिव सारी चीज कवर हो गई है ये ग्राफ में, तो इस ग्राफ से ही आपको एक्सप्लेन करना है। बस एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ बेटा, फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो अब दोबारा से ये वही मैं एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से सब ये रिपेल कर रहे हैं, ग्रेविटी की फोर्स तो इसमें बहुत नाम मात्र है, मतलब इट हैज नो सिग्निफिकेंस इनसाइड द न्यूक्लियस, इट विल बी देयर अट्रैक्टिव फोर्स बट वो इतनी ज्यादा थोड़ी है। कूलम फोर्स भी रिपल्सिव है, और जो दो न्यूक्लियॉन्स हैं बहुत पास हैं, पास होंगे न्यूक्लियॉन्स, डेंसिटी देखो आप कितना ठूस ठूस के पार्टिकल्स को भरा हुआ है, तो दो पार्टिकल्स बहुत पास होने की वजह से उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स, जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं, वो भी रिपल्सिव है। तो रिपल्सिव फोर्सेज भी बहुत ज्यादा है और अट्रैक्टिव फोर्सेज भी है सबके बीच में, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेज भी सैचुरेट कर जाती हैं, इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे न्यूक्लियस को, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन का बैलेंस कुछ बनेगा तभी तो कुछ स्टेबलाइजेशन होगी, ओनली देन स्टेबलाइजेशन इज देयर। तो एक थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि फिर इसको कल पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो सपोज ये कोई भी न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं और जेड प्रोटॉन्स हैं, तो वाई द न्यूक्लियस कैन एग्जिस्ट, बिकॉज देर इज सो मच सच अ फाइन बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज इज देयर। तो कोई भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को पढ़ने के अंदर
न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी. मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड, देखो न्यूक्लियस एक सिस्टम है पार्टिकल्स का, इन पार्टिकल्स का सिस्टम है न्यूक्लियस. तो हम ये मानते हैं कि जब ये पार्टिकल्स को आप इमेजिन करो एक एक करके इनको दूर ले जाओ, न्यूक्लियस के बाहर निकाल दो. सपोज आपने इनको दो दो तीन तीन सेंटीमीटर पर ले गए तो वो तो इनफाइनाइट सेपरेशन होगी इतने छोटे पार्टिकल्स के लिए. आपने इन सबको दूर कर दिया तो व्हेन यू हैव सेपरेटेड ऑल दीज पार्टिकल्स फार अपार्ट, न्यूक्लियस तो खाली हो गया. ठीक है, तो सब पार्टिकल्स का टोटल मास कितना आएगा? व्हाट इज द टोटल मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस? तो अगर जेड प्रोटॉन्स हैं तो उनका मास तो टोटल इतना आ गया, और अगर इतने न्यूट्रॉन्स हैं तो उनका टोटल मास इतना आ गया. तो इंडिविजुअल जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जब हमने उनको दूर दूर कर दिया, सभी न्यूक्लियॉन्स को दूर दूर कर दिया, तो उनके जितने भी मासेज हैं उन सबका सम इतना आया. द सम ऑफ द मासेज ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स व्हेन दीज मासेज हैव बीन टेकन फार अपार्ट और इमेजिन टू बी दूर दूर फ्रॉम वन अनदर, तो उनका इंडिविजुअल मास इतना आता है. और जो न्यूक्लियस का मास आता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये दोनों इक्वल नहीं होते, दीज आर नॉट इक्वल. ठीक है, जब आप इन पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के अंदर ले जाते हो, न्यूक्लियस कब बना? कोई मम्मी ने किचन में थोड़ी बनाया इसको. ठीक है, ये तो जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई तब न्यूक्लियस क्रिएट हुए ना. कितने सारे न्यूक्लिया एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, आप इमेजिन करो इस कमरे में ही कितने सारे होंगे. ऑल ऑफ देम वर क्रिएटेड व्हेन न्यूक्लियस, व्हेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टुक प्लेस, एंड समथिंग मस्ट हैव हैपेंड कि ये सारे दूर दूर वाले पार्टिकल्स न्यूक्लियाई के अंदर घुस गए और इतनी ज्यादा डेंसिटी क्रिएट होगी मैटर की. इमेजिन करो कैसे सूप बना होगा जब न्यूक्लियस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई होगी. तो मतलब कहने का यह है कि जो न्यूक्लियस का मास है, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस को वे करें तो वो ये दोनों सेम नहीं आते. न्यूक्लियस का मास इज नॉट सेम. तो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेसर, मतलब ये ज्यादा बड़ी टर्म आती है और ये कम आती है. किसी भी न्यूक्लियस का आप चेक करोगे तो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के मासेस का सम न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आएगा. तो मतलब ये जो मास है, जब इनको हम दूर दूर करते हैं और जब ये अंदर घुस गए इस न्यूक्लियस के, तो इतनी एनर्जी का इस सिस्टम से लॉस हो गया. मतलब जस्ट बिकॉज दिस सिस्टम वेंट फ्रॉम वेरी फार टू अ वेरी टाइनी वॉल्यूम, तो सिस्टम की एनर्जी अगर कम होगी तभी तो वो पॉसिबल है. अगर सिस्टम की एनर्जी कम नहीं होती, अगर इसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स के पॉइंट से देखें, जो आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में एनर्जेटिक्स, कि सिस्टम कैसे क्रिएट स्टेबल रह सकता है, हाउ कैन दिस सिस्टम एक्चुअली एग्जिस्ट. कोई भी प्रोसेस नेचर में कब होगी? जब वो एनर्जी की टर्म्स में उस वो पॉसिबल है. अगर मान लो सब दूर दूर से अंदर जाने में एनर्जी बढ़ जाए सिस्टम की, फिर तो वो प्रोसेस होगी ही नहीं, क्योंकि दैट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल. सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दिस प्रोसेस हैज टू बी पॉसिबल. तो जब आप ये सारे पार्टिकल्स दूर दूर थे, दूर दूर होने से इनकी मास एनर्जी थी इतनी, तब इनकी मास एनर्जी थी इतनी, रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं इसको. लेकिन जब आप ये न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो इस सिस्टम की रेस्ट मास एनर्जी बची इतनी. तो मतलब कितनी एनर्जी का लॉस हुआ? इतनी एनर्जी कम हो गई सिस्टम की. सो देन इट बिकम्स अ फेवर्ड प्रोसेस, द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स फेवर्ड प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज स्टेबिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस. इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियॉन्स एंटरिंग इनटू द न्यूक्लियस, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, इसलिए न्यूक्लियस का बनना पॉसिबल है. तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना पड़ता है. इस टर्म को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम बोलते हैं मास डेफिसिट है ये जो भी. ठीक है, मास डेफिसिट इन द क्रिएशन ऑफ द न्यूक्लियस. तो बाइंडिंग एनर्जी, तो अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो दैट न्यूक्लियस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल. जिस न्यूक्लियस की, तो सभी न्यूक्लियाई को स्टडी करने के लिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी को मेजर किया जाता है. कितने सारे न्यूक्लियाइड्स हैं आप देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लियाइड्स और न्यूक्लियाइड को स्टडी करना. तो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन द न्यूक्लियस इज क्रिएटेड. रिलीज मतलब इस सिस्टम से बाहर चली जाती है यूनिवर्स में. ठीक है, तो न्यूक्लियस बनता है. जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, होना चाहिए. लेकिन फिर लोगों ने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. मतलब अगर आपको अलग अलग न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को जज करना है, तो सबकी बाइंडिंग एनर्जी लोगों ने कंप्यूट की और फाइंड आउट करके टेबल्स बना दिए रिसर्चर्स ने. सबको पीएचडीज मिल गई, यूनिवर्सिटीज में जॉब मिल गई, किसी ने कुछ रिसर्च कर दी, किसी ने कुछ कर दी. ठीक है ना, तो देन दे फाउंड कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो अच्छा इंडिकेटर नहीं है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का. उससे बेटर इंडिकेटर होता है यदि हम बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, मास नंबर से. तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करते हो, इस रेशियो को हम बोलते हैं डेल्टा ई बी एन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. वी कॉल दिस रेशियो एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. तो
ये ज्यादा अच्छा, ये बेस्ट इंडिकेटर है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का. जिस न्यूक्लियस के लिए ये रेशियो सबसे ज्यादा है वो सबसे स्टेबल हो जाएगा, और जिस न्यूक्लियस के लिए ये रेशियो कम होगी वो कम स्टेबल होगा. तो कौन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन से ज्यादा कम स्टेबल होते हैं, तो उसके बारे में आपको डेटा को याद ही करना पड़ेगा. जैसे Fe56 के लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है. बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी तो ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर Fe56. सो दैट इज वाई Fe56 इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप नोन टू मैन, बिकॉज उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे मैक्सिमम है. सो डिस्पाइट रिपल्शन एंड अट्रैक्शन टेकिंग प्लेस, ये इट कैन स्टिल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कल बताऊंगा मैं आपको इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है. इसको बेटा नोट्स बनाकर आओ.